नमस्ते फ्रेंड। और आज हम जा रहे हैं पुलाव बनाने के लिए, तो आप लोग ज़रूर वीडियो के अंत तक देखिएगा। और देखिए, पुलाव बनाने के लिए हम ले लिए हैं इंडिया गेट के बासमती चावल है, और इसको हमको एक गिलास लेना है। तो देखिए, हम एक गिलास ये चावल ले लिए हैं, और एक गिलास चावल को हम अच्छे से इस बॉल में डाल देंगे। इस बॉल में डाल करके अब हम इसको अच्छे से धोना है हमको, और धो करके और 15 मिनट के आसपास, 15 से 20 मिनट हमको इसको डाल के, पानी डाल के और इसको छोड़ देना है। तो चलिए, हम इसको अच्छे से धो करके पानी डाल के 15-20 मिनट छोड़ते हैं। तो देखिए, हम इसको अच्छे से धो लिए हैं साफ पानी से। धोने के बाद इसको हमको 15 से 20 मिनट इसी तरह छोड़ देना है। उसके लिए हमको गैस जला लेना है। तो देखिए, चावल को 15-20 मिनट हो गया है और ये अच्छे से हल्का हल्का सा पानी में फूल चुका है। अब जो है हमको गैस जला लेना है, और गैस जला के एक कढ़ाई इस पर डाल देना है। तो देखिए, हम डाल दिए हैं, इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो देखिए, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच घी। तो देखिए, हम 1.5 चम्मच घी डाल दिए हैं, और पूरे कढ़ाई में हम अच्छे से इसको लगा देंगे घी को। घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो अच्छे से घी गर्म हो चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे खड़ा गरम मसाला। उसके बाद हम डाल देंगे 1 तेज़पत्ता और 2 लाल मिर्च, और इसको अच्छे से हम हल्का सा फ्राई कर देंगे। तो देखिए, लाल मिर्च और तेज़पत्ता दोनों अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे, देखिए, 5 से 7 या 10 भी आप काजू डाल दीजिए, और 15 से 20 ये वो आपका किशमिश। और इसको हम अच्छे से भूजेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसको अच्छे से हमको भूज लेना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक। तो देखिए, ये अच्छे से भूज चुका है, अच्छे से लाल हो गया है। तो हम इसमें डाल देंगे चावल जो हम 15 से 20 मिनट फुलाए थे। और हम बता देते हैं आप लोगों को, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो डाल सकते हैं, सब ड्राई फ्रूट। और हम डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक, 2 चम्मच चीनी, और हम इसको अच्छे से मिला देंगे। तो इसमें अब जो है हम अच्छे से चावल को और ड्राई फ्रूट सब जो था उसको हम अच्छे से मिला दिए हैं। अब जो है जिस गिलास से हम चावल नापे थे, मतलब लिए थे, नाप लिए थे, उसी गिलास से हमको 1 गिलास पानी डालना है इसमें। तो देखिए, हम उसी गिलास से 1 गिलास पानी डाल देते हैं। देखिए, वही गिलास है, तो उसी गिलास से हम 1 गिलास पानी डाल देते हैं इसमें। तो डाल दिए हैं, अब हमको इसको अच्छे से, जो भी थोड़ा बहुत साइड सब में लगा हुआ है उसको अच्छे से हमको पानी में डाल देना है इस तरह से। देखिए, इस तरह से डाल के अब हम इसको ढक्कन से ढक देंगे। तो हमको देखिए, इसको हम ढक्कन से ढक दे रहे हैं, और ढक दिए हैं, और मीडियम आंच करके हमको इसको 15 मिनट तक पकाना है। तो फाइनली देखिए फ्रेंड, मेरा ये पुलाव बनके रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप सब। हम ढक्कन हटा लिए हैं, और देखिए ये हो गया है, और इसको हल्का सा टाइट ही रखना है, और देखिए ये हो गया है। तो चलिए, देखिए कितना अच्छा हुआ,
और बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो अब हम गैस को बंद करते हैं। तो देखिए बनके तैयार हो चुका है, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कैसा लगा ये मेरा पुलाव। बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीका से हमने कोई भी चीज़ बताते हैं। तो आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करिए और शेयर करिए। तो देखिए कितना मस्त लग रहा है, बहुत ही प्यारा प्यारा लग रहा है देखने में, कितना अच्छा कलर लग रहा है देखिए। तो अभी दुर्गा पूजा के टाइम है, दुर्गा पूजा चल रहा है, तो इसमें ना प्याज पड़ता है न लहसुन, कुछ भी नहीं। आप इसको अच्छे से बना के खा सकते हैं, दाल फ्राई बना लीजिए, उसमें भी प्याज नहीं डालना है बस। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा बना है देखिए। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है कलर भी, और बहुत ही आसान तरीका से बनाए हैं। तो आप इसको, इस पुलाव को दाल फ्राई के साथ अच्छे से खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोगों को हम कभी दाल फ्राई भी बनाकर दिखाएंगे, तो आप लोग ज़रूर वीडियो में बने रहिए। और जितना भी मेरा वीडियो आता है आप लोग पूरा एंड तक देखिए, ताकि आपको समझ में आए कैसे मैं बनाती हूँ। और बहुत ही कोई भी तेल मसाला, बहुत कम तेल मसाला में मैं बना के दिखाती हूँ, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद।